बाजी अंधविश्वास और विश्वास में थोड़ा सा फर्क होता है। कितना सा? इतना सा। अंधविश्वास होता है झूठ हाँ। और विश्वास होता है सच। जैसे आदमी को लगता है कि शादी के बाद भी शेर रहेगा हाँ। ये उसका अंधविश्वास है। और बीवी शेरनी होगी, आप मानो ना मानो वो मनवाई लेगी, इसमें कोई फर्क नहीं है। अच्छा, अजीब अजीब से अंधविश्वास होते हैं बाजी हाँ। इतने सालों से चले आ रहे हैं हमारी सोसाइटी में, हमारे कल्चर में घुस गए हैं। जैसे आदमी करोड़ों रुपया लगा के एक बंगला तैयार करता है, क्या बात, बाहर एक टूटा सा जूता लटका देगा। अच्छा, लटकाता भी वो एक है, उसको पता है जोड़ी लटकाएंगे कोई पहन के निकल जाएगा। इतना अंधविश्वास है हमारी सोसाइटी में। अच्छा, कोई बिल्ली रास्ता काट जाए ना तो आदमी रास्ता क्रॉस नहीं करता, बिल्ली है रास्ता ही काटेगी और क्या, केक काट के जाएगी वो, बताओ। अच्छा, एक ये भी अंधविश्वास है, कहते दूध पी के रात को बाहर नहीं निकलना चाहिए, भूतनी पीछे पड़ जाती है। हाँ, अच्छा आदमी करे तो करे क्या, दूध पी के बाहर निकले तो भूतनी पीछे पड़ जाए, दारू पी के घर आए तो बीवी पीछे पड़ जाए। अच्छा, कई लोग बोलते तोते का जूठा खिलाओ ना बच्चे को, बच्चा साफ बोलने लगता है। चक्कर में ना कई लोग तोते की मिर्ची छीन लेते हैं, गाजर छीन लेते हैं, अपने बच्चे को खिलाते, इस चक्कर में तोता भूखा रह जाता है। फिर जब तोता पिंजरे से बाहर आता ना, वो उसी बच्चे के चोंच मारता है जो बच्चा कहता नहीं मेरे मामू की शादी में जुलूल जुलूल आ रहा उसको। अच्छा, फिल्मों में बड़ा अंधविश्वास होता है कि अगर दिया बुझ गया तो समझो बीमार बाबूजी गए। इस चक्कर में लोग अपने दिए को घी पिलाते रहते हैं, भाई इतना घी बाप को पिलाया होता तो 4 साल और निकाल जाता। कई लोगों का ये मानना है कि सुबह का सपना सच होता है। इस चक्कर में कई लोग सुबह जानबूझ के दीपिका पादुकोण का सपना देखते हैं। मजा तब आता है जब बीवी मुंह से रजाई खींचती ना, तेरा बेड़ा गर्क क्या कर रहा है, ये पैर के अंगूठे से सारी रजाई फाड़ दी, क्या कर रहा है। लेकिन एक बात बता जी, जब कपिल शर्मा दीपिका पादुकोण का सपना देते तो कौन खींचता है रजाई? अच्छा, मेरा स्पेशल केस है, मैं जब उसका सपना देखता मेरी रजाई भी वही खींचती। अच्छा, कुछ लोग जब ट्रेन पुल के ऊपर से निकलती ना हाँ। तो बड़ा अंधविश्वास होता है कि ऐसे नदी में सिक्का फेंको हाँ। मन्नत पूरी होती है हाँ। कुछ लोगों के पास सिक्का नहीं होता, दूसरे से मांगते हैं भाई सिक्का देना। अच्छा, जिन्होंने नहीं देना आता ना बाबा, अपना ही सिक्का फेंको तो मुराद पूरी होती भाई साहब। हमारे दास दादा ना, इनके पास सिक्का नहीं था, खुद ही कूद गए। मैंने कहा दादा इतना अंधविश्वास करता है, अंधविश्वास कहेगा मेरे पास टिकट नहीं थी, टीटी आ गया था। अच्छा, अंधविश्वास में कौन कौन बिलीव करता है? जी सर, आप माइक पे विश्वास करते हैं? तो माइक मैं विश्वास नहीं करता हूँ। अच्छा, क्योंकि कोई भी पैदा होता है तो उसमें अंधविश्वास वगैरह कुछ नहीं होता है। पहले बच्चे में माँ अंधविश्वास डाल देती है, बेटा तू ये कर वो कर, पेपर हो रहा है दही खा के जा जी। फिर समाज डाल देता है, धीरे 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 वो अंधविश्वासी हो जाता है एक्चुअली हाँ। और जैसे जैसे कभी भी आप ये देखना कि जिसके पास कुछ नहीं होगा या अपनी मेहनत का होगा वो कभी अंधविश्वास नहीं करेगा एक्चुअली। प्रॉपर्टी बढ़ती जाएगी, अंगूठियां हाथों में बढ़ती जाएंगी जी, बाबाओं के दर्शन करने लगेगा जी, और जो बाबा लात मारेगा उसके और ज्यादा दर्शन करेगा। ये चीजें होती हैं, सही बात है, सच्चाई से दूर चला जाएगा। कैसे सही बात है? मेरे हाथ में अंगूठियां, मैं बाबा के पास जाता हूँ। ना 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 ना, सिद्धू साहब ने अंगूठे में नहीं पहन रखे अंगूठी, ऐसे ऐसे भी है। निकल लिया आप पतली गली से। नहीं, पर अच्छी बात है कि आप अंधविश्वास में बिलीव नहीं करते, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सर, करना नहीं चाहिए, अपनी मेहनत पे विश्वास करना जी, बिल्कुल सही बात है सर। आपने मेहनत करी है तो आपको अपनी मेहनत पे विश्वास है। नहीं, मैं दही खा के निकला था। बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में आने के लिए, थैंक यू। और कोई मेरे दोस्त विशेष विचार विमर्श करना चाहते हो? जी सब भाई साहब। हाय कपिल। हाय। हाय सिद्धू सर। हाय। मैं आप लोगों का बहुत बड़ा फैन हूँ एक्चुअली, मैं क्रिकेट को बहुत फॉलो करता हूँ, तो सिद्धू अच्छा? सर आपके स्पेशली बहुत बड़ा फैन हूँ मैं। अच्छा। हाँ, लेकिन जब मैं स्टार्ट किया था करियर तब आप बिल्कुल एंड में थे, लेकिन फिर भी आपको बहुत फॉलो करता हूँ। बिल्कुल एंड में था, मतलब करियर के एंड में से सर। सर एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि बचपन से ही बहुत बताया गया था कि अंधविश्वास होते हैं। मैं इंदौर से हूँ। अच्छा। तो वहाँ पे टोटके काइंड ऑफ थिंग्स बहुत होते हैं कि इंडिया जीते इसके लिए ये टोटका करो वो टोटका करो। लास्ट ईयर इंडिया का थोड़ा सा फॉर्म खराब चल रहा था, तो मेरा फेवरेट प्लेयर धोनी भी थोड़ा सा मिडास टच के बाहर दिख रहा था। अच्छा। तो मैंने सोचा ये सही टाइम है अगर मुझे कोई टोटका ट्राई करना है, तो मैंने सुना कि धोनी बहुत दूध पीता है, कुछ 4 लीटर कुछ मैंने सुना था ऐसा उसके बारे में। अच्छा। तो मैंने भी एक दिन सोच लिया कि नेक्स्ट डे इंडिया का मैच है तो आज से मैं भी दूध पीना स्टार्ट कर देता हूँ। खाना वाना कुछ नहीं खाया, रात को सोने से पहले 2 गिलास दूध, सुबह उठ के 2 गिलास दूध, नाश्ते में 2 गिलास दूध, खाने में 2 गिलास दूध। इसके दोस्त ने इसके पिन मारा, दूध निकला अंदर। एक्चुअली पाजी बहुत बार होता है, जैसे अगर सचिन सर 99 पे खेल रहे ना, तो अगर किसी को बाथरूम में उठ के नहीं जाते वो, नहीं नहीं उठ के जाए तो अब शकुन हो जाएगा, चाहे क्लीन बोल्ड हो जाए वो। तो मतलब आप मानते हैं अंधविश्वास को? नहीं, ट्राई किया था फिर उसके बाद छोड़ दिया क्योंकि इंडिया हार गई सर। पर अच्छी बात है, आप अगर ऐसा मानते हैं कि अंधविश्वास को नहीं माना चाहिए, ऐसे होता भी नहीं है। शुक्रिया ब्रदर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। पाजी आज के जो हमारे गेस्ट हैं हाँ,
दोनों ही बड़े ही टैलेंटेड हैं, बहुत ही खूबसूरत हैं, आप भी उनके फैन हैं। बिल्कुल, मैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच इनवाइट करना चाहूंगा द वेरी हैंडसम वेरी टैलेंटेड सुशांत सिंह राजपूत एंड वेरी ब्यूटीफुल एंड टैलेंटेड कृति सनन का। जोरदार तालियां हो जाए एक बार कृति और सुशांत सिंह राजपूत के लिए। सांसें बेकरार, आंखों में सपने छोड़ जाता है सुशांत, लड़कियों के दिल में प्यार की मटकी फोड़ जाता है। क्या बात है, ऐसा दीवाना बनाया है कृति के इस कमाल के रूप ने, उसको देख के फ्यूज बल्ब में भी करंट दौड़ जाता है। वाह, वेलकम वेलकम। एक ही तीर से दो निशाने, और पहले आप अलग अलग ही बोल देते, आजकल एक ही शेर में निपटा देते हैं। ऐसा नहीं। सुशांत कृति आपका बहुत बहुत स्वागत, आइए यहाँ पे विराजमान हो जाइए। राब्ता का मैंने ट्रेलर देखा पाजी, क्या जबरदस्त केमिस्ट्री लग रही इनकी, लगता ही नहीं कि पहली फिल्म साथ में कर रहे हैं, ऐसा लग रहा काफी जन्मों से जानते हैं, काफी एक दूसरे के साथ प्यार किया आपने, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। पिछले जन्म में भी किया, नए जन्म में फिर, वाओ, दो जन्मों की स्टोरी तो है ही। एक्चुअली ये दो जन्मों की स्टोरी है। हाँ, मतलब स्टोरी दो जन्मों की नहीं है, बट रीइनकार्नेशन का जो बैकड्रॉप है वो है। ओके, तो हम थोड़ा बहुत दिखाते हैं कि प्यार जो है वो एक जन्म के लिए जरूरी नहीं है, पहले जन्म से भी हो सकता है। लड़की अच्छी हो तो दो तीन जन्म तक जा सकते। आपको पता पाजी, सुशांत और कृति दोनों ही बेसिकली इन्होंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है, हैं? और आप ट्रेलर देखना, उसमें अंडर वाटर जाके एक दूसरे को सांस वगैरह दे रहे हैं। एग्जैक्टली, सांस ही दे रहे हैं। तो ये मतलब इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते करते ये डॉक्टरी वाले गुण कहां से सीख गए आप? आई मीन, डू यू बिलीव कि जो अंडर वाटर किस होता है, ये हाइजीनिक होता है? मैं तो कुछ नहीं कर रहा था, कर ये रही थी, मैं तो बेहोश था। मैंने देखा ट्रेलर में साफ तौर पे आप कोई बेहोश नहीं थे, आपकी आंखें खुली हुई थी, काफी वाइड तरीके से खुली हुई थी। आप दोनों बहुत ही बड़े ही प्यारे लग रहे हैं एक्चुअली, और बड़ा मजा आया देख के, देखना पाजी, मजा आएगा आपको भी। ठीक है, ठीक है। पाजी, लेकिन इन्होंने इतनी मेहनत की इस फिल्म के लिए, सुशांत को फिल्म में तलवारबाजी करनी थी, तो तलवारबाजी सीखने के लिए ये बैंकॉक गए थे, am I right? हाँ, जी बिल्कुल। तलवारबाजी सीखने गए थे? हाँ, तलवारबाजी सीखने गए। तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एक महीना रह के आया था ना? तीन, हाँ, तो? नहीं, कुछ नहीं। तो, एक तलवार नहीं, दो तलवार चलाने थे, और अच्छा, उसके पहले मैं बल्ला चला रहा था पिछली फिल्म में। पर क्या बल्ला चलाया है आपने, हेलीकॉप्टर तो क्या चलाया है आपने? देखो, किसी आइकॉन जिसका पहले ही इतना बड़ा नाम हो, उसके नाम में वृद्धि करनी, ये एक्टर का सबसे बड़ा कमाल। थैंक यू, ये सबसे बड़ा, गॉड ब्लेस यू। ब्रिलियंट। आपको पता है महेंद्र सिंह धोनी इनसे नाराज है? क्यों? वो कहते हैं मेरा नाम टाइप करो, फोटो सुशांत की आती है। फिल्म शुरू होने से पहले ना, हमारी हीरोइंस जो होती हैं, एक्ट्रेस होती हैं, बड़ा डाइट कंट्रोल करने लगती हैं, जीरो फिगर पूरा मेंटेन करती हैं। तो आप तो ऑलरेडी काफी स्लिम ट्रिम है, ऐसा इनके प्रोडक्शन वालों का कहना है कि फिल्म का बजट पहले इतना ज्यादा नहीं था, लेकिन इनकी मिठाइयों का बिल ज्यादा आ गया एक्चुअली। ये गलत है, सही बात है, ये खाता था डेजर्ट हम दोनों में से। आई थिंक मैंने अपनी लाइफ में इतनी आइसक्रीम नहीं खाई होगी जितनी मैंने बुदापेस्ट में खाई है ठंड में, क्योंकि ये इंसान आइसक्रीम पे आइसक्रीम ऑर्डर करता था। मैं बहुत मेहनत करता हूँ वो आइसक्रीम खाने के लिए। अच्छा, तो ढाई घंटे में मेहनत करता हूँ जिम में ताकि मैं आइसक्रीम खा पाऊँ। ये जिम नहीं जाती। अच्छा, और ये खाती है लेकिन पता नहीं कहाँ जाता है, ये बस दो दिन बाद एक इंच और लंबी हो जाती है बस। एक्चुअली आप लोगों को खाना इस तरफ लगता है, आपको इस तरफ लगता है। सुशांत के बारे में किसी ने प्रोडक्शन में से ही बताया, इनके यूनिट में से, कि चलो शूटिंग पे वैसे तो जो भी टाइम कॉल टाइम होता आते ही है, पर जिस दिन दीपिका पादुकोण का गाना शूट था ना, उस दिन कॉल टाइम से पहले पहुंच गई है। उस दिन कॉल टाइम था ही नहीं इनका। आपका काम ही नहीं था? काम ही नहीं था। तो क्या उधर क्या मतलब, भैया उधर क्या, जो तेरे लिए क्या वही उसके लिए क्या। नहीं, उस दिन आपका अलार्म जल्दी बज गया था क्यों? तो फिर क्या करने गए थे आप? अरे वो होटल पास में ही था, बहुत दूर था, पास में ही था, बहुत दूर था। टहलते हुए बस आ गया बस ऐसे। कोई काम नहीं था उस दिन? नहीं, नहीं। काम तो था मतलब, लेकिन पर्सनल काम था। कृति, आपको फिल्म में जब सपना आता है तो आप पिछले जन्म में चली जाती हैं? नहीं, ऐसा कुछ
अजीब से सपने आते हैं, पिछले जन्म का भी कुछ, इस जन्म का भी कुछ, तो वो मिक्स होकर मुझे सपने समझ नहीं आते कि वो है क्या. कभी कभी एक्चुअली बड़े अजीब से सपने आते हैं, आपने भी नोटिस किया होगा भाजी, कभी कभी सपने में आपके पीछे डाकू भागे ना, आपसे भागा नहीं जाता. अब भागते रहो उधर ही रहता आदमी. कभी कभी देखना सोते सोते भी आदमी ना ऐसे ऐसे करता है. हुआ कि नहीं आपके साथ कभी? ऐसा लगता है गिरने वाले एकदम. हाँ शांत, आपको भी आते हैं ऐसे सपने? मुझे पता नहीं क्यों हमेशा दो तीन बार ही याद रहता है कुछ एक साल में, लेकिन हर बार मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में होता हूँ, पता नहीं क्यों. और मैं एकदम डर से उठ जाता हूँ. ऐसे क्यों? मैंने बहुत मेहनत करके वो इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया था. तो मैंने सुना आप थर्ड ईयर तक आते आते आपने सडनली डांस क्लासेस ज्वाइन कर ली. थर्ड ईयर तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में ज्वाइन कर ली थी. इंजीनियरिंग में दिल नहीं लगा कि मतलब सिर्फ लड़कों का कॉलेज था? एग्जैक्टली वही. हम सर, हम इतनी मेहनत करके ऑल इंडिया क्लियर करके एक बड़े अच्छे से कॉलेज में जाते हैं और हमें शुरू से बोला जाता है कि पढ़ो और अच्छी नौकरी और अच्छी लड़की मिलेगी. तो नौकरी तो सेट हो गई थी लेकिन कॉलेज में लड़कियां ही नहीं. अच्छा. तो फिर किसी ने बोला कि यार डांस स्कूल ज्वाइन कर लो, वहां पे मिल जाएंगे. तो क्या इंस्पायरिंग स्टोरी है. पाजी आपको रेखा जी के सपने आते कि बंद हो गए अभी? नहीं, ऐसे बीच में आपने एक बार बोला था. अच्छा सॉरी, इट्स ओके. अगर तुझे दीपिका के सपने आते तो फिर मुझे आते हैं. मतलब आपको आते हैं? आते हैं. अच्छा, हमारे जितने भी यहाँ पे दर्शक बैठे हैं, मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको मौका मिले कि अगले जन्म में किस रूप में आप आना चाहें, आपके पास फुल लिबर्टी हो, तो आप क्या बनना चाहेंगे? कोई है हमारे दोस्त जो? जी मैम. मुझे शाहरुख खान की माँ बनना है. माँ क्यों बनना है? गर्लफ्रेंड बनो ना. नहीं, माँ बनना. मैं हांगकांग से हूँ कपिल जी. तो उधर माँ ही बनते हैं? मतलब, अच्छा मुझे समझ में नहीं आया, लोग बोलते हैं कि अच्छा मैं शाहरुख खान की वाइफ बनूंगी. हा? आपने ऐसा क्यों सोचा मैम? बट सो स्वीट ऑफ यू. हक कर सकती हूँ. हक कर सकते हैं माँ जैसे. नहीं, वो तो आपका प्यार है, आपकी ममता है उनके लिए. पर एनीवेज, तो हांगकांग में क्या करते हैं आप? मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ. अच्छा, वेरी नाइस. बड़ा ठहराव है और बड़ा मजेदार आवाज है आपकी. Thank हर you. बात में शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम. थैंक यू. तो शाहरुख भाई, सुन रहे हैं आप ये, आपकी मम्मी बनना चाहती हैं, आपको भी अच्छा ही लगा होगा सुन के. और कोई हमारे दोस्त? जी मैम. अगर मुझे दूसरा जन्म मिला तो मैं पिजन बनूंगी. कबूतर. कबूतर बनेंगी आप? हाँ. क्यों? पर कबूतर कैसे बनेंगी? आप तो कबूतरी बनेंगी. अच्छा, मैंने आपसे कभी नहीं पूछा अगले जन्म में, क्योंकि आपने इसी जन्म में सब कुछ बन गए. आप मेरा जवाब अभी. पॉलिटिशियन आप बन गए, क्रिकेटर आप बन गए, कमेंटेटर आप बन गए, टीवी आपने कर लिया, कुछ बचाया पाजी अगले जन्म में कर देंगे? मुझे अगर कोई 100 बार पूछे जी कि तू अगले जन्म पिछले जन्म क्या बनना चाहेगा, मैं 100 बार बोलूंगा नवजोत सिंह सिद्धू. क्या बात है. खत्म. जी कबूतर. जी मैम. तो आप कबूतर क्यों बनना चाहती हैं? क्योंकि वो शांति का प्रतीक रहता है वो, और वो कहीं भी आ जा सकता है, उड़ सकता है, बैठ सकता है, कुछ भी कर सकते हो. खाली इसी वजह से कि कबूतर कहीं भी आ जा सकता है? नहीं, वो शांति का प्रतीक है ना सर. अच्छा. मतलब चिट्ठी देनी हो, लेनी हो, पहले के जमाने में सब ऐसे ही करते थे. तो आप डाकिया बन जाती? डाकिया. कबूतर बहुत स्वीट होते हैं बेचारे. और एकदम प्योर वेजिटेरियन रहते हैं, सबसे बड़ी बात. वो तो तोता भी वेजिटेरियन ही होता है. तोते को आपने चिकन खाते देखा कभी? नहीं सर. तो फिर ये, पर आपको वैसे कबूतर अच्छा लगता होगा? मुझे बहुत अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग मैम. थैंक यू. थैंक्स लॉट. और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब. सर, अक्षय कुमार जी. क्या अक्षय कुमार बनना चाहते हैं? अक्षय कुमार बनना चाहते हैं? हाँ जी. ऐसे क्यों सर? क्योंकि अपनी फिल्म में रियली स्टंट करते हैं, तो मैं शुरू से लाइक करता हूँ उनको. तो आप इस जन्म में करना शुरू कर दो ना. सिर्फ वो स्टंट करते हैं इसलिए आपको अच्छे लगते हैं? जी सर. नहीं मेरे भाई, मतलब जैसे वो स्टंट करते हैं तो खाली अच्छा लगता है आपको स्टंट करना, इसलिए बनना चाहते हैं अक्षय कुमार? जी सर. और उसके अलावा? और उसके अलावा एक्टिंग भी अच्छी करते हैं वो. ये नई बात बताई आपने हमें, बहुत बहुत शुक्रिया. पर मैं आप अभी क्या करते हैं इस जन्म में, क्या करते हैं आप? सर मैं सिटी केबल चलाता हूँ. अच्छा, हम भी चलाते हैं अपने शो में कभी कभी. अरे एक बात बताओ, सिटी केबल वाले जो होते हैं, जैसे कभी कभी होता था मेरे अमृतसर में, हम लोग जब टीवी देखते थे तो रात 10 बजे अगर शोले फिल्म आ रही है, सडनली रात को 12 बजे शोले जितनी चल गई उसके बाद सडनली आप
नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है। कहाँ पे चलाते हैं आप सिटी केबल? दिल्ली में सर। चलता है पूरा अच्छे से चलता है? हाँ जी सर। वैसे दिल्ली में 11 बजे ही शोले चेंज हो जाता है। हाँ। मैंने देखा। क्या नाम है आपका? सुभाष चौहान। सुभाष जी बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए। और कोई हमारे दोस्त पुनर्जन्म में? जी सर, कर्नाटक से, गुलबर्गा से आया। गुलबर्गा से? हाँ, अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। अगर आपको अगला जन्म लेने की अनुमति दे दे गवर्नमेंट, मतलब कुदरत, तो आप क्या बनना चाहेंगे? मैं एक्चुअली ग्रैंडफादर बनूंगा सर मेरे। वो इस जन्म में बनेंगे, भरोसा रखें आप। ऐसा कुछ नहीं है, आप प्रोसेस में चले। अभी आप फादर वाले एज में हैं, ग्रैंडफादर ही बनेंगे। ऐसा क्यों लगता है कि इस जन्म में ग्रैंडफादर नहीं बनेंगे? मींस मेरे जो ग्रैंडफादर थे ना, उन्होंने मुझे कहा था कि आप सेम ग्रैंडफादर के माफिक दिखते हो। अच्छा जी। तो मैंने उनको देखा नहीं, तो मुझे लगता है कि मुझे ग्रैंडफादर बनना है करके। पापा बन गए आप? नहीं सर, अभी शादी हो गई आपकी? नहीं सर। तो प्रोसेस शुरू करो ना आप। ये तो वही बात हो गई कि जाना भी दिल्ली है, जाना भी ट्रेन से, रेलवे स्टेशन पे भी नहीं जाना। ऐसे कैसे मांगता है? मुझे मेरे ग्रैंडफादर के जैसा दिखना है। अच्छा, वैसे दिखना है? हाँ, वैसा मुझे बनना है। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर का गेहूं खेत में, बेटा पेट में, तू ब्याह की तैयारी करे जा रहा है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और कोई हमारे दोस्त पुनर्जन्म में विश्वास करने वाले? हेलो कपिल सर जी, सिद्धू सर जी, आपको नमस्कार। नमस्कार जी, कैसे हैं आप? मैं अशोक अवस्थी, दिल्ली से। अच्छा जी, आपने जो बताया कि एड्रेस, अगर आपको मौका मिले कि अगले जन्म में आप अपनी मर्जी से कुछ बन सकते हैं, तो क्या बनना चाहेंगे आप अवस्थी साहब? पहली बात तो मैं, हमारे हाथ में, मनुष्य के हाथ में कुछ है ही नहीं, परमात्मा जो बनाएगा। सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि मैं मानव बन जाऊं। और दूसरी बात, अगर मानव के अंदर मानवता नहीं तो बेकार है। इन्हीं को वोट दें, इनकी जीत आपके इलाके की जीत है, आपकी अपनी जीत है। और दूसरी बात, एक बात और मैं कहना चाहूंगा। अवस्थी साहब, आप करते क्या हैं दिल्ली में? दिल्ली में मैं शिक्षक हूँ। अच्छा जी। जी हाँ। हिंदी टीचर हैं आप? मैं संस्कृत टीचर हूँ। अच्छा, अध्यापक हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। जिसकी मृत्यु होनी है जिस समय, उसी समय ही होनी है, क्योंकि हमारे एक, हमारे बाबा जी जी, उनकी डेथ हो गई, तो 2 घंटे बाद उनकी अर्थी लगाने लगे, तो अच्छा। उस समय क्या हुआ, उन्होंने आके खोल दी और उठ बैठे, और अब बाबा जी बियर पी के सो रहे हैं। उन्होंने बताया, ऐसे तो मैं बहुत बहुत पुनर्जन्म ले चुका हूँ पिछले एक साल से। सॉरी सॉरी। बाद में उन्होंने बताया, मैंने पूछा, तो जब उठे उन्होंने ये नहीं कहा कि क्वार्टर और मंगाओ? सॉरी सॉरी, मैं एक्चुअली यमराज की यहाँ भी सारा वही खाता होता है। हाँ जी सर। तो वहाँ पर लाइन लगी हुई थी। अच्छा जी। किसको बुलाया जा रहा, सबको बुलाया जा रहा, आइए। फिर जब हमारे दादा का नंबर आया कि क्या नाम है, उनका नाम श्री गेंदालाल जी था। अच्छा जी। कि इसको बुला लाए, इसको कहाँ से ले आए, इसका अभी नंबर नहीं है, भेजो इसको। जो ही धक्का दिया, यहाँ उनकी आँख खुल गई और उठ गए। कहने का मतलब, परमात्मा के द्वार में सब निर्णय है। मतलब गलती से, और गलती से पहुंच जाते तो परमात्मा भेज देता है। 5700 वोट से जीतेगा तू। पर आप बड़ी अच्छी बातें करते हैं सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। साथ में मेरी मैसेज भी आई हुई है। नमस्कार मैम, कैसी हैं आप? ये घर पे भी इतने सीरियस हैं कि कभी रोमांटिक भी होते हैं? हाँ, क्यों नहीं, समाज में, दुनिया में आए तो रोमांटिक भी होंगे ना। अक्सर आदमी दुनिया के सामने कम, ऐसे अकेले कमरे में ज्यादा रोमांटिक। पर बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, बहुत बहुत शुक्रिया शो में आने के लिए, धन्यवाद आपका। नमस्कार नमस्कार।